लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों से पहले ही इस समय अग्नि परीक्षा पुडुचेरी में। सियासी संकट के बीच बीजेपी ने दावा किया है कि 3 और कांग्रेस विधायक इस्तीफा देंगे। इसके बाद वी नारायण सामी की सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। पुडुचेरी में एक राजनीतिक संकट के बीच 22 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। विधानसभा सचिव आर मोनीसामी ने इसकी जानकारी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में राजनीतिक संकट के बीच 22 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। विधानसभा सचिव आर मोनीसामी ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल टी सुंदर राजन ने गुरुवार को 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। हाल ही में 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद नारायण सामी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद 33 सदस्यों वाली विधानसभा में अब कांग्रेस के पास 10 ही विधायक बचे हैं। इसके अलावा उनके गठबंधन में डीएमके के 3 और 1 निर्दलीय विधायक है। इस्तीफा देने वाले विधायक ए जॉन कुमार, मलदी कृष्ण राव, नमी चीवम और थिपिन दान है। इन 4 में से 2 पहले से ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने 18 फरवरी को आरोप लगाया था कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की घोषणा के बाद उन्होंने अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई। इस दौरान फ्लोर टेस्ट पर चर्चा हुई। बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया है। 21 फरवरी को फिर से बैठक होगी। कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगी डीएमके के साथ भी विचार विमर्श कर रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के 3 और विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। बीजेपी ने दावा किया कि नारायण सामी सरकार विधानसभा में विश्वास मत साबित नहीं कर पाएगी। पुडुचेरी में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।